Good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो आज का क्या प्लान है? व्हाट इज योर टुडेज प्लान? कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. फुल लॉकडाउन. ये कौन सा ब्रेड है? इंग्लिश ओवन. ये कितने का है ब्रेड? 28 रुपीज़. हाँ, महाराष्ट्र बाहर है 30 रुपीज़. हाँ, 28 रुपये महाराष्ट्र में, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र 30 रुपीज़. तो 30 रुपये का ब्रेड. तो विप्स तो सस्ता आता है इससे. विप्स इज द मोस्ट चीपेस्ट एंड मोस्ट बेस्ट ब्रेड अकॉर्डिंग टू मी. ब्रेड तो 50-60 रुपीज़ तक भी आता है. 50-60 रुपीज़ का ब्रेड बाप. ऐसे भी आजकल 50-60 रुपये में क्या आता है? 50-60 रुपये में आजकल कुछ आता तो नहीं, लेकिन एक चीज़ होती है. क्या? मेरी गाड़ी फ्रेश रहती है 50 रुपये में. 50 रुपये में? हाँ, एक्चुअली टू बी वेरी प्रिसाइज 55 रुपीज़ में मेरी पूरी गाड़ी फ्रेश रहती है. अच्छी बात है. आई विल शो यू हाउ मेरी गाड़ी 55 रुपीज़ में मैं कैसे मेंटेन करता हूँ. कम से कम महीना भर तो फ्रेश रहती है 55 रुपये में. ये ब्रेड तो ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन मेरी गाड़ी 50 रुपये में महीना भर फ्रेश रहती है. ये देखो ये क्या कर रही है. हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं बरना. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत सेफ है, सुरक्षित है, और आप अपने घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं. जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वही घर से बाहर निकल रहे हैं. एंड इट्स नाउ टाइम टू हैव अ टी. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. बहुत ट्रेंडिंग था ये टॉपिक एक टाइम पर, अगर आप लोगों को याद रहेगा तो. अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मेरे लिए लॉकडाउन नहीं है, मैं बाहर निकलता हूँ. बिकॉज हम लोग एसेंशियल सप्लाइज करते हैं. एंड थर्ड लॉकडाउन से मैं रेगुलर बाहर जा रहा हूँ, तो अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ ऑफिस. कुछ इस तरह की सिचुएशन है लॉकडाउन 4 में रोड की. काफ़ी सारी गाड़ियाँ, काफ़ी सारे ऑटो रिक्शास, बाइक, स्कूटर्स, ये बाहर रोड पे निकलते वक्त दिख रहे हैं. लोग तो पैदल पहले से भी चल रहे थे, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए. हमारे यहाँ पे एक मेजर जंक्शन है थाने में, माझीवाड़ा करके, वहाँ पे कल मैंने कम से कम 30 से 40 गवर्नमेंट की बसेस, जिसको हम ST कहते हैं, वो देखी हम लोगों ने. लोगों को भर भर के लेके जा रही थी शायद महाराष्ट्र के बॉर्डर पर या महाराष्ट्र के बाहर तक छोड़ने के लिए. तो काफ़ी लोग मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर ऑलरेडी जा चुके हैं. नाउ वी विल रियली कम टू नो कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग कितने थे, और ये जो लोग बाहर गए हैं उनको समझेगा कि बाहर के लोग महाराष्ट्र में कितने थे. तो देर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड फॉर द पीपल स्टेइंग इन महाराष्ट्र, एंड इफ दे आर रियली कीन टूवर्ड्स वर्किंग. दे जो कह रहे थे कि हम लोग का काम बाहर वाले लोग छीन लेते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे तो इसमें से लोग रीजन्स बनाते थे. नाउ वी विल कम टू नो वंस एवरी थिंग इज गोइंग टू बी अ स्ट्रीम लाइन हियर, कितने लोग एक्चुअल में काम पे रिज्यूम करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं. और जो लोग कहते रहते थे बार बार कि हमें काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, वो लोग कितना मेहनत करने वाले हैं. विल कम टू नो. दिस इज़ द समवॉट सिचुएशन नियर माई वर्क प्लेस. पीछे पूरा एरिया दिख रहा है आपको. अभी थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चलना चालू हो गई है, अदरवाइज एवरी थिंग वॉज स्टैंड स्टिल. सारे वेयर हाउसेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे बंद हुआ करता था. अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ है. कैन सी द व्हीकल पासिंग बाई.
एंड आवर वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. हम लोग सुबह आते हैं, दोपहर तक बंद करके निकल जाते हैं. एंड दिस इज हाउ द वर्क शेड्यूल इन लॉकडाउन 4 इज गोइंग ऑन राइट नाउ. एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई होम. आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल हियर. सो द प्रोडक्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग इट लुक्स लाइक दिस. एक छोटा सा हिंट दिया है मैंने खाली, विच हेल्प्स यू अ लॉट. एक्चुअली मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कभी दिखाया नहीं था. काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपने, शायद आप लोगों ने ये कवर देख के गेस कर लिया होगा बिकॉज अपने देश की जनता बहुत स्मार्ट है. तो यू गाइज वुड हैव गेस्ट इट. लेकिन वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए. अगर मैं स्टार्टिंग में दिखा देता तो शायद लोग वीडियो पूरा नहीं देखते. तो प्लीज़ तो वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिए. So here is Poppy for all of you guys. Say hi. Hi, Kir. Hi. Hi. जब मैं बाहर से घर आता हूँ तो वो उसको, वो चाहती है कि मैं उसको तुरंत उठा के लूँ, लेकिन अभी के कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. सो आई जस्ट गो, आई टेक शावर, आई सैनिटाइज माई सेल्फ अगेन एंड देन आई पिक हर. उसके बाद हम लोग का बाप बेटे का प्यार शुरू होता है. कैलेंडर खाना दो. भूख लगी है, खाना दो. कैलेंडर खाना दो. कैलेंडर, ये देखो इंग्लिश कैलेंडर. इंग्लिश कैलेंडर खाना लेके आए हमारे लिए. एंड इट्स टाइम टू हैव लंच. आज पिटला भाकरी आए बाबा आमच्याकडे. मास्टर शेफ ने पिटला नहीं भाकरी बनवली है आज. इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ह्यूमिड होता है. अपने गाड़ी में भी थोड़ा सा अजीब सा स्मेल आता है. अगर स्पेशली आपके गाड़ी में 3 या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे फ्रेशनेस गाड़ी का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. तो कार इज़ नॉट बीन केट फ्रेश विद एनी काइंड ऑफ फ्रेशनर, या फिर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. तो कौन नहीं चाहता है कि अपनी गाड़ी फ्रेश रहे, अपनी गाड़ी हमेशा अच्छा स्मेल करती रहे. सो हियर इज़ द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू शो यू, कि मैं मेरी गाड़ी 55 रुपीज़ में कम से कम महीना भर कैसे एकदम फ्रेश रखता हूँ. तो राइट नाउ आई एम सिटिंग इनसाइड द कार. तो थोड़ी देर के लिए मास्क हटा सकता हूँ. So here it is. I am sitting in my car. This is a 7-seater big MUV. So this is what I use. This is called as Godrej Air Pocket. और ये सिर्फ 55 रुपीज़ में आता है. ठीक से देखिए इसका पैकिंग ऐसा आता है. थोड़ी देर पहले जब मैंने पैकिंग दिखाया तो काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे. जो मैं फ्रेगरेंस गाड़ी में यूज़ करता हूँ, जो मुझे पसंद है, दैट इज़ फ्रेश लश ग्रीन. एंड वो वाला माइल्ड फ्रेगरेंस है. काफ़ी सारे फ्रेगरेंस आते हैं इसमें. कुछ माइल्ड आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं. ये वाला थोड़ा सा हार्ड फ्रेगरेंस है. उसके बाद में ये वाला भी है. दिस कॉल्ड एज क्रश पिंक. एंड देर आर लॉट ऑफ फ्रेगरेंसेज अवेलेबल. मेरे हिसाब से जितना माइल्ड फ्रेगरेंस गाड़ी में इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है. उससे आपका थोड़ा सा सर भी दर्द नहीं करेगा. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सबको किस तरह का फ्रेगरेंस पसंद है. मुझे थोड़ा सा माइल्ड फ्रेगरेंस पसंद है. और जो गाड़ी में हमेशा थोड़ा सा मेंटेन भी रहता है तो थोड़ा सा एनवायरमेंट बहुत फ्रेश रहता है. एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई जनरली हैंग इट. एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई थिंक, बिकॉज वहाँ पे हुक भी दिया हुआ है तो कहीं पर टच नहीं होता है. पूरी तरह से उसका फ्रेगरेंस यूज़ होता है. हियर इट इज. ये अभी भी गोल गोल घूम रहा है बिकॉज ऑफ एसी वेंट एंड एवरीथिंग. मैं गाड़ी में, हर एक गाड़ी में मेरे गोदरेज एयर पॉकेट रखे हैं मैंने. जहाँ पे बॉटल होल्डर्स है वहाँ पे भी रखे हैं मैंने. तो ग्लव बॉक्स पे रखे हैं मैंने, लेकिन पैक्ड वाले. जब भी गाड़ी में कोई भी पैकेट ओपन करता हूँ तो एक टाइम पे एक ही करता हूँ और वो कहीं ना कहीं मैं हैंग कर देता हूँ. नॉट ओनली मी, माई एल्डर ब्रदर इज़ ऑल्सो यूजिंग गोदरेज एयर पॉकेट इन सिया. हम लोग ने 400, 500, 800, 1000 रुपये के परफ्यूम यूज़ करके देख लिए. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज़ वॉट आई एम यूजिंग 55 रुपीज़ में लगभग महीना भर. इसलिए बिकॉज दिस व्हीकल इज जनरली नॉट यूज अ लॉट. ये खड़ी ज़्यादा रहती है, चलती कम है, चमकती ज़्यादा है. बहुत पुराना डायलॉग है, आपको एक बहुत बड़े यूट्यूबर के वीडियो में देखने मिलेगा. वो डायलॉग भी मैंने ही बोला था वैसे. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो नेक्सॉन में रेगुलर यूज़ करता हूँ तो उसमें जनरली 15-16 दिन तक उसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा रहता है. उसके बाद इट टेंड्स टू रिड्यूस अ बिट. उसके बाद में फिर मेरे को चेंज करना पड़ता है. लेकिन गाड़ी खड़ी है बहुत दिनों से एक जगह पे, तो उसमें
ये वाला चीज़ कम से कम महीना भर आराम से काम करता है। अगर आप एसी वेंट्स के सामने लगाओगे तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेगरेंस आपके नाक में घुसेगा, आसपास के पैसेंजर्स को, पीछे बैठे हुए पैसेंजर को शायद इरिटेट करेगा। तो एसी वेंट से थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अच्छा है। जनरली अपन एम्बिप्योर वगैरह एसी वेंट में घुसा देते हैं तो वो एक माइल्ड फ्रेगरेंस फेंकते रहता है, उसमें रीफिल बॉटल्स आती है। मैंने बहुत यूज़ किया है, वो बहुत यूज़ किया है, लेकिन मेरे को कभी उसका इतना इफेक्ट मिला नहीं जितना 55 रुपीज़ में मेरे को दिल खोल के मेरा दिल खुश हो गया, इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। एम्बिप्योर में क्या होता है, वी जनरली डोंट कम टू नो कि गाड़ी का एम्बियंस कितना अच्छा मेंटेन हुआ है, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी आके बैठता है तो शायद उसको फील हो कि उसकी गाड़ी में वो फ्रेशनेस नहीं है और ये गाड़ी में फ्रेशनेस है। तो दिस हैपेंस विद एम्बिप्योर, इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। मैं किसी प्रोडक्ट के लिए मतलब ये दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, किसी के बारे में अच्छा बोलो किसी के बारे में बुरा बोलो, बट इन जनरल ये मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं मेरे वीडियोज़ में ऐसी कुछ चीज़ें डालता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ ताकि आप लोगों को भी शायद वो काम आए। कुछ लोग मेरे को जो एकदम दिल से फॉलो करते हैं तो मैं चाहता हूँ वो लोग को समझ में आए कि मैं डेली डे एंड आउट में क्या यूज़ करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, किस तरह से पैसे बचाने की ज़रूरत है। आगे का टाइम बहुत ख़राब आने वाला है, 400-500 रुपये के फ्रेगरेंस खरीदने के बदले 400-500 में कितना गोदरेज एयर पॉकेट आ जाएगा, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। जनरली ये गोदरेज एयर पॉकेट यूज़ होता है घर में, कबर्ड्स में, फिर क्लोज्ड एरिया में, स्टोर रूम्स में, बेड के नीचे, बेड के नीचे स्टोरेज में वगैरह, कोई कोई लोग वॉशरूम में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका इफेक्ट कम है या फिर इसका फ्रेगरेंस बहुत कम आ रहा है तो आप दो पैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम पे मेरे हिसाब से अगर दो पैकेट भी आप यूज़ कर सकते हो तो भी एक ही फ्रेगरेंस वाले दो पैकेट्स लगाएंगे तो अच्छा है, अदरवाइज यू नो वो फ्रेगरेंस भी मिक्स हो जाएगा, आपको कोई भी एक फ्रेगरेंस ढंग से समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन सा फ्रेगरेंस आपको आ रहा है, तो शायद उससे आपका सर भी दर्द हो सकता है। मेरे साथ होता है ये चीज़। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ गोदरेज एयर पॉकेट, इज़ अ वेरी गुड थिंग। 55 रुपीज़ में आपकी पूरी गाड़ी फ्रेश रहती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आगे और सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो कीजिए। और लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली फॉर देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू कम, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू फेस टुगेदर। एंड कोरोना इतने आसानी से जाने वाला चीज़ है नहीं, बढ़ते जा रहा है। वी आर इनटू लॉकडाउन 4, कोरोना भी बढ़ते जा रहा है। गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप बाहर जाएंगे तो कुछ मेजर्स है वो फॉलो कीजिए, मेरे पहले वाले वीडियोज़ में भी डाला है, मैं हर एक वीडियो के एंड में ये बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करें। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, द वन हु इज़ लिविंग द हाउस हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज़ टू कम बैक टू हिज लव्ड वंस एंड यू हैव टू कीप देम सेफ, राइट? थैंक यू। ये लेंस को मैं सैनिटाइज करूँगा बाद में बिकॉज मैंने हैंड ग्लव से टच किया है ना।